फ्रेंड्स, मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कहते हैं कि नाउन क्लॉज पर एक वीडियो बनाएं, यानी एक ऐसा वीडियो बनाएं जहां पर नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया हो। तो आइए फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को समझें कि क्लॉज क्या है और आप एक क्लॉज को सब्जेक्ट के तौर पर कैसे यूज करेंगे। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले ये जानें कि क्लॉज होता क्या है। क्लॉज को हम हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। एक क्लॉज के पास सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, फिर भी इनके पास एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है जैसा कि एक सेंटेंस के पास होती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां एग्जांपल में देख सकते हैं, यह एक नाउन क्लॉज है जो सब्जेक्ट के तौर पर आया है, लिखा हुआ है। वह कहां रहती है फ्रेंड्स कि इस क्लॉज के पास अपना सब्जेक्ट है और अपना वर्ब भी है, फिर भी इसका एक कंप्लीट सेंस नहीं है। तो यही होता है फ्रेंड्स क्लॉज यानी उपवाक्य। उसके पास सब्जेक्ट और वर्ब तो होते हैं लेकिन एक सेंटेंस के जैसा कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाती है। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इस तरह के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं इसको ट्रांसलेट करूं, कुछ बातें आपको अपने दिमाग में याद रखना होगा। क्या बातें, आइए इस बात को समझें। ये सेंटेंस देखने से आपको इंटरोगेटिव लगेंगी यानी प्रश्नवाचक लगेंगी, लेकिन हकीकत ये है कि ये कोई प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। यहाँ कोई सवाल नहीं पूछा गया और आप देख सकते हैं इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है बल्कि फुल स्टॉप है। तो फ्रेंड्स, जब आप इस उपवाक को ट्रांसलेट करें यानी इस क्लॉज को ट्रांसलेट करें, तो आप इसे ऐसे ट्रांसलेट करें। आप लिखेंगे वेयर, उसके बाद जो आपका टेंस है, टेंस के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखें, वर्ब यानी शी, और रहती है के लिए लिव्स। जैसा कि आप जानते हैं यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब में एस या एस लगता है। ये बात मैंने आपको पार्ट 6 में अच्छा से सिखाया। उम्मीद करता हूँ आप पार्ट 6 देख चुके हैं और आपको ये बात पता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात जहाँ लर्नर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये है कि आपको क्वेश्चन वर्ड के बाद यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं देना है, यानी आप ऐसे न लिखें वेयर डज सी लीव, क्योंकि ऐसा इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में होता है यानी प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में होता है और ये कोई प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। यहाँ कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। तो जब आप किसी उपवाक को ट्रांसलेट करें यानी क्लॉज को ट्रांसलेट करें, तो आप लिखे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अब आप वर्ब कैसे लिखेंगे, तो आपका सेंटेंस जिस टेंस में रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्ब लिखें। अगर आपका टेंस रहा रही में है तो आप आईएनजी फॉर्म का यूज करें, अगर पास्ट है तो सेकंड फॉर्म का यूज करें, और अगर चुका चुकी में है तो आप हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको पता, क्योंकि ये सब बात आपको पढ़ाई जा चुकी है। तो वह कहाँ रहती है, वेयर सी लिव्स। फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर लिखा हो वह कब खाती है, तो आप लिखेंगे व्हेन शी ईट्स। अगर लिखा हो वह कैसे नाचती है, तो आप लिखेंगे हाउ शी डांसेस। अगर इस उपवाक्य की जगह पर लिखा हो कि वह कब खाती है, तो आप लिखेंगे व्हेन शी ईट्स, या अगर लिखा हो कि वह कैसे नाचती है तो आप लिखेंगे हाउ शी डांसेस। फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है वह कहाँ रहती है, तो आप लिखेंगे वेयर सी लिव्स। और आपका दूसरा पार्ट है, यह एक रहस्य है। तो जब आपका दूसरा पार्ट शुरू होगा तो दूसरे पार्ट के शुरू में यह या वह, ये या वे, इन चारों में से कोई एक वर्ड जरूर आएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसका इंग्लिश नहीं लिखना है, आपको उसे छोड़ देना है। तो जब आप इसे छोड़ देंगे तो बचेगा एक रहस्य है, तो आप उसको ट्रांसलेट करें है यानी इज अ, और रहस्य को बोलेंगे मिस्ट्री। वह कहाँ रहती है, यह एक रहस्य है, वेयर सी लिव्स इज अ मिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको यहाँ पर एक बार रिपीट कर दूं ताकि आप रूल को याद रख सकें। जो आपका उपवाक्य होगा उसे जब आप ट्रांसलेट करें, WH फैमिली मेंबर के वर्ड्स लिखें। अगर लिखा हो कहाँ आप लिखे वेयर, अगर लिखा हो कब आप लिखे व्हेन, अगर लिखा हो क्या आप लिखें व्हाट, उसके बाद आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखें। याद रहे कि सब्जेक्ट के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है। उसके बाद जब आपका दूसरा सेंटेंस शुरू हो तो दूसरा सेंटेंस शुरू होने से पहले यह वह ये वे लिखा हो सकता है, उसकी इंग्लिश आपको नहीं लिखना है, और उसके बाद जो वर्ड्स बचे उसका आपको ट्रांसलेट करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक खास बात आपको और बता दूं, कई बार दूसरे पार्ट में एक वर्ब आ जाता है, तो अगर दूसरे पार्ट में कोई वर्ब हो
तो आप उस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। आगे की एग्जांपल में मैं कुछ ऐसा सेंटेंस लिखूंगा जहां पर दूसरे पार्ट में वर्ब आए और आप जान सके कि जब दूसरे पार्ट में वर्ब आए तो उसे कैसे ट्रांसलेट करना है। आइए फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स लिखा हुआ है वे क्या खाते हैं यह एक रहस्य है। तो आइए देखें कि इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। वे क्या खाते हैं यह एक नाउन क्लॉज है और इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट, उसके बाद हम लिखेंगे दे और उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। मैंने यहाँ पे लिखा ईट क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात पता है क्योंकि मैंने पार्ट 6 में ये बात आपको अच्छा से समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आप पार्ट 6 देख चुके हैं और आपको ये बात पता है। वे क्या खाते हैं व्हाट दे ईट। आप व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब न लिखें क्योंकि यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। आगे लिखा हुआ है यह एक रहस्य है। तो जब आपका दूसरा पार्ट शुरू होगा तो उसकी शुरुआत यह वक्त चाहिए वे से होगा। आप उसकी इंग्लिश न लिखें, उसको छोड़ दें या उसको गायब कर दें तो बचेगा एक रहस्य है। आप लिखेंगे इज अ मिस्ट्री। वे क्या खाते हैं यह एक रहस्य है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट दे ईट इज अ मिस्ट्री। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह कंसेप्ट अब आपको समझ में आ रहा है। आइए फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल है वह कहाँ रहती है यह मालूम नहीं है। तो वह कहाँ रहती है यह एक क्लॉज है जो सब्जेक्ट के तौर पर है। तो आइए देखिए फ्रेंड्स कि आपको इसे कैसे ट्रांसलेट करना है। वह कहाँ रहती है इसके लिए आप लिखेंगे वेयर सी लिव्स। फ्रेंड्स आप एक बात याद रखेंगे आप इसका ट्रांसलेशन ऐसे ना करें वेयर डज सी लिव क्योंकि यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। यानी यहाँ पर सवाल नहीं किया जा रहा है कि वह कहाँ रहती है। आप देख सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है बल्कि फुल स्टॉप है। तो इस तरह के सेंटेंसेस प्रश्नवाचक नहीं होते हैं यानी इंटरोगेटिव नहीं होते हैं। यहाँ कोई सवाल नहीं पूछी जाती है इसलिए वह कहाँ रहती है वेयर सी लिव्स। और हमारा अगला पार्ट है यह मालूम नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस में यह वह ये वे इनकी इंग्लिश गायब कर दी जाती है या इनकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है तो आप इसको छोड़ दें। और आगे लिखा हुआ है मालूम नहीं है तो आप लिखेंगे इज नॉट और मालूम को कहते हैं नो लेकिन आप लिखेंगे नोन। सवाल है नोन क्यों। तो अगर आपके दूसरे पार्ट में कोई वर्ब आएगा तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वर्ब आए, कई बार वर्ब आते हैं और कई बार वर्ब नहीं आते हैं। तो अगर वर्ब आएंगे तो आपको थर्ड फॉर्म लिखना होगा। तो फ्रेंड्स लिखा है वह कहाँ रहती है यह मालूम नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ वेयर सी लिव्स इज नॉट नोन और यह ट्रांसलेट हो चुका है। फ्रेंड्स अगर लिखा हो वह कब आएगा यह तय नहीं है तो आप इसको ऐसे ट्रांसलेट करें वह कब आएगा। आप लिखेंगे when, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब वह यानी ही और आएगा यानी विल कम। वह कब आएगा when he will come। यह तय नहीं है यह की इंग्लिश आपको छोड़ देना है तो बचा तय नहीं है। आप लिखेंगे इज नॉट। तय को कहते हैं डिसाइड और डिसाइड एक वर्ब है इसलिए आपको थर्ड फॉर्म लिखना होगा और वो होगा डिसाइडेड। वह कब आएगा यह तय नहीं है। When he will come is not decided। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स अगर वाकई आप इस लेसन को समझे तो आप अपने तरफ से दो सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही समझा या नहीं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।